ये है कि अगर इस आदमी ने हुआ तो हम मुकम्मलों की जो मशीन है ना वो इसके ऊपर लगेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना। हमारे पास ना दोस्त आए हुए हैं मेहमान, तो उनकी आज दावत है। हमारा जैद भाई आज बनाएगा बिरयानी, तो दिखाते हैं इसके कुछ प्रोसीजर कैसे बनती है। हमने बहुत तारीफ़ें सुनी है अपने जैद भाई की कि बहुत अच्छा बनाता है। कुछ तो कहते हैं इसको थोड़ा सा इसमें अच्छा जायको के लिए अपने क्या नाम है गाना भी आपने सुना होगा, मैं तो लौंग वनीला ची, ये लौंग आ गई, ये भी डाल दें थोड़े से। ये अभी इसको हल्का ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन करेंगे। इसको कलर आने के बाद इसमें फिर टमाटर ऐड करेंगे। चाहिए एक घंटा पहले पानी में तो भिगो के रखने पड़ते हैं। ये भी ये चावल पड़े हैं, इनका आधा घंटा हो गया है, साथ में मुर्गी खुश्क हो रही है। खुश्क जितनी होगी ना उतना अच्छा होगा। आज हमारे पास मौसम भी बहुत अच्छा है, तो खाते हैं। तैयार हो गया, अभी इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन आपकी मर्जी जितना ले लें। हमारे पास तो आज कितनी चिकन आई, कितना केजी है जहर? दो ढाई किलो से ज़्यादा है, ढाई किलो से ज़्यादा है। और चावल की मकदार है कोई एक किलो, मेरे हाथ से डेढ़ किलो चावल है। हाँ, डेढ़ किलो चावल, डेढ़ किलो चावल है। और ये अभी इसको फ्राई करेंगे बिरयानी के लिए। पानी डाल के तेज़ आंच पे छोड़ेंगे आप, क्योंकि इसमें जो आप चिकन डालोगे ना, चिकन पहले रोस्ट नहीं कर लें, रोस्ट करके बनाते हैं, लेकिन उस तरह जो है अच्छा टेस्ट नहीं आते। जब इस मसाले में आप तैयार करोगे चिकन तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्राई करने के टाइम पे आप पता डालेंगे चार पाँच फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और उसमें क्या नाम है वो दालचीनी भी है। अभी चावल इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पानी का सही बॉयल आना चाहिए, इस तरह उबार आना चाहिए, उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छे से जो है चावल अपना जो है ना, अभी इसमें चावल ऐड करेंगे। बिरयानी की तह लगाने का तरीका,
ये इस तरह नीचे थोड़े से चावल डालने हैं जी, ताजी थोड़े से चावल पाने हैं, साग होते सरसों मुरो मुरो तट के, लेकिन शरत है जब भी चावल पा लो बिस्मिल्ला नाल लाजमी पड़े, बिस्मिल्ले नहीं बरकत ना ले इंशाल्लाह ताड़ा चीज जबरदस्त पड़ती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। माशाल्लाह चावल किस तरह देखो लंबा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह तूफान दिल कुदरत, तूफान दिल कुदरत मौला ये खा लो लंबा हुआ है ना। चावल डाल के ऊपर ये सालना जो अलग तैयार हुआ है ये सीते लगानी है, देख लो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मर्जी है गोश्त में पकाते हो चने, हम लोगों ने तो गरीब से लोग हैं देसी और फार्मी मिक्स करके पकाया है। ये जो नज़र आ रहा है ये थूम है लहसुन माशाल्लाह प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। लास्ट काम में जी कलर डालना, हमारे पास दूसरा कोई कलर नहीं है, ये रेड कलर है, इस कलर से आप इसके ऊपर नाम लिख सकते हो, कुछ बर्थडे के लिए बताते हो बर्थडे की तारीख लिख सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? जो आपकी मर्जी करे लिख सकते हो, हम लोग तो वैसे ही डाल रहे हैं। देखो 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 ये जड़े लाद हैं नाने पास हो चीज रखनी चाहिए, इस वजह से हमारे पास ये आटे की बाल्टी थी हमने यही रख दी। असल में मेन जो चीज़ होती है मैंने डिमरी गया था ना कि इसमें से किसी किस्म का जो इसका हवा होती है गैस होती है बारे में ठीक है, तो चावल को अच्छे तरीके से दम आ रहा है ठीक है। अब जैसा अब हमारी कोशिश ये है कि अगर इसके साथ भी नहीं हुआ तो हम वो कपड़ों की जो मशीन है वो इसके ऊपर लगेगा ठीक है इंशाल्लाह। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?